सर नमस्ते। सर 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 मेरी नमस्ते। जोड़ी मेरा नाम रमेश स्वामी है। सर मैं उन्नति से हूँ, वन ऑफ फाउंडर डायरेक्टर्स हूँ। आपसे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू, आप मेरे सॉरी फॉर इंटरप्शन में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे सौभाग्य है। एंड आपसे मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि आप प्रिंसिपल हैं एक सपना गर्ल्स कॉलेज में, आप प्रिंसिपल हैं, आप प्रोफेसर रह चुके 41 साल से आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं, जो बड़ी बात है सर, बहुत बहुत बड़ी बात है। आप डॉक्टरेट हैं, आप पीएचडी किए हुए हैं इकोनॉमिक्स, एमए इकोनॉमिक्स वगैरह में। आपका आपका जर्नी के बारे में, आपका स्टार्ट से अब तक की एक जर्नी के बारे में जरा संक्षेप में बताइए सर, प्लीज। सर वेलकम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसके लिए हमको याद किया। और हमारे कॉलेज में उन्नति फाउंडेशन में ये चूड़ामणि मिश्रा हैं, अब तक 4 बैचेज इन्होंने निकाला और बहुत अच्छा लगता है। हमारी स्टूडेंट जो है ना, बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं और आगे भी ये जारी रहे। आई होप आप इसको अलाउ करेंगे। आप हैं तो हो जाएगा सर। नहीं नहीं बहुत खुशी है, ये तो हम आपका थैंक्स करेंगे कि ऐसे ऐसे प्लान जो है ना ऐसे इंस्टीट्यूशन में आते हैं। और हमारे यहाँ कॉलेज में लगभग 11,000 स्टूडेंट अभी एट प्रेजेंट पढ़ती हैं और 4 फैकल्टीज यहाँ चल रही हैं, आर्ट साइंस कॉमर्स एंड होम साइंस। मैं फर्स्ट ज्वाइनिंग मेरी थी 1983, प्लेस वॉज बस्तर, जो पहले बस्तर जगदलपुर ये अलग नहीं था, मध्य प्रदेश से अलग हो गया है। बिल, 10 वर्ष रहा मैं वहाँ जी, 1983। वाव, 10 वर्ष मैं वहाँ रहा, मुझको बहुत अच्छा लगा आदिवासियों के साथ काम करने में। उनके जो स्टूडेंट थे स्कूल एजुकेशन में, हम लोग 2-4 मित्र उनको फ्री ट्यूशन पढ़ाते थे, तमाम तरह के उनके अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते थे। तो ये एक जर्नी हमारी शुरू हुई एजुकेशन के साथ साथ सोशल लाइफ की भी। हमारी इच्छा ये रहती है कि हम समाज को जितना दे सकें वो एज ए टीचर हमको देना चाहिए, क्योंकि हम कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा बनाते नहीं हैं। मैं जूता पहनता हूं लेकिन मैं जूता नहीं बनाता हूं। मैं भोजन करता हूं लेकिन मैं खेती नहीं करता हूं। तो हमारी परफॉर्मेंस में हमारे हमारी जो विधि है, जो हमारा स्टेटस है, उसमें इन सबका योगदान है। ये सारे लोग उसके में इन्वॉल्व हैं। ये तो ये इस भावना से मैं 1993 में इस कॉलेज में आया, क्योंकि मेरा नेटिव प्लेस यही रीवा है, तो मैं पास में आ गया हूँ। सतना में 93 से हूँ, यही मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, फिर प्रोफेसर के रूप में, आज मैं प्रिंसिपल के दायित्व में हूँ। तो मेरी इच्छा यही है कि मनुष्य या हम जिसके लिए जितना दे सकें, तो उसमें कोई पद का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। आप जिस भी जगह रहें, जहां भी रहें, अगर लोग आपसे कोई एक्सपेक्टिंग करते हैं, उनका एक्सपेक्टेशन है, तो ही वॉज फुल्ली डिवोटेड द अदर एक्सपेक्टेशन। तो मैं इसी भावना से काम करता हूं। और ये छात्राओं को जो नए नए कोर्सेज, बहुत सारी संस्थाएं और भी यहां इस तरह के कोर्सेज चलाती हैं, ये स्किल डेवलपमेंट के कुछ प्रोग्राम चलते हैं, कंप्यूटर के प्रोग्राम चलते हैं, और बीच बीच जो भी इस तरह के सोसाइटी से जुड़े लोग इस कॉलेज में आते हैं, तो मैं उनका बहुत ही वेलकम और थैंक्स करता हूं कि उनके इंस्टीट्यूशन में, उनके प्लान प्रोग्राम में विद्यार्थियों को देने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए कोई प्लान है, तो वो बहुत थैंक्सफुल है, उनका जॉब मानते हैं जी।
क्या बात है सर। सर आपने पीएचडी किस में किया, पीएचडी आपने कब किया, किस विषय में किया आपने? मैं 1989 में पीएचडी किया और उस समय मैं बस्तर में ही था। और बस्तर में ये सेरिकल्चर का बहुत स्कोप है, जो हमारा रेशम बनता है सिल्क, तो सिल्क फॉर्म में वहाँ बहुत लेबर काम करते हैं, तो उन्हीं के लेबर कंडीशन में हमारी थीसिस थी। और हमारे गाइड थे डॉक्टर सुरेश खरे, वो उस समय जगदलपुर में ही हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, तो उनके निर्देशन में मैं किया। और यहाँ हमारे शिक्षा के समय हमारे गाइड और टीचर थे डॉक्टर वीसी सिन्हा। डॉक्टर वीसी सिन्हा एक बहुत रिनाउंड पर्सन, बहुत सारी बुक्स उनकी कॉमर्स और आर्ट्स में चलती हैं, और इस क्षेत्र के बहुत ही अच्छे, बहुत ही पॉपुलर टीचर में माने जाते हैं डॉक्टर वीसी सिन्हा। उन्होंने हमको 5 वर्ष पढ़ाया, बीए और एमए में मैंने उनसे शिक्षा ली। और हम लोग तो विद्यार्थी थे, बहुत उस समय बड़ा डरते थे, लेकिन जब डॉक्टर वीसी सिन्हा के घर जाते थे तो आपको विश्वास नहीं होगा, वो हम लोगों को भी मिठाई खिलाते थे, वो स्टूडेंट को भी मिठाई और चाय और नमकीन खिलाते थे, जबकि उस समय तो स्टूडेंट तो बाहर खड़ा रहता था। तो ये उनके ह्यूमिनिटी थी, और शायद वही हमारे अगर मैंने कुछ सीख पाया है तो मैं डॉक्टर वीसी सिन्हा को हमेशा याद रखता हूँ कि आप किसी भी हालत में रहें, आपकी अपनी समस्या हो सकती है, आपकी अपनी खुशी हो सकती है, लेकिन सामने वाला अगर आपसे कोई चीज चाहता है, कोई मदद के लिए आया है, तो ही वाज रेडी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सिन्हा साहब को भी आप इतने बड़े कॉलेज में प्रिंसिपल है, मतलब आज के तारीख में तो आप शिक्षक तो बंदी हो गया होगा आपका भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन का काम ही रहेगा पूरा टाइम, तो आपको सिखाने को मौका मिलता है कभी आपको? नहीं मिलता है सर, अभी हमारे अंडर लगभग 12 रिसर्च स्कॉलर पीएचडी जिनको अवार्ड हो चुकी है, और 8-10 लोग अभी कर रहे हैं, क्योंकि सर्विस हमारा लगभग 3 वर्ष और बचा है। मध्य प्रदेश में यहाँ रिटायरमेंट एज 65 है, तो अभी 2-3 वर्ष है, तो इसी बीच चाहे कॉलेज में हो या घर में हो या कहीं भी हो, जो मेरा सोने के अतिरिक्त समय बचता है, घरेलू काम में परिवार हमारा है, बच्चे हैं, नाते हैं, तो उनको दे के अभी आप सबकी कृपा से ये ताकत बनी हुई है, ये ऊर्जा बनी हुई है, तो काम करते रहते हैं। सर आपके कितने बच्चे हैं? 2 हैं। दोनों एमपी में ही हैं कि नहीं? अपनी जॉब में लगे हैं, एक बेटा मेरा ये टूरिस्ट जॉब में है, टूरिस्ट रिजॉर्ट उसके चलते हैं 3-4, तो उसी में व्यस्त रहता है वो। बहुत बढ़िया सर, अभी 11,000 बच्चे बोलेंगे तो आपके अंडर में कितने टीचर्स, प्रोफेसर, लेक्चर्स कितने होंगे आपके कॉलेज में? सर ये कॉलेज डिस्ट्रिक्ट का ओनली वन गर्ल्स कॉलेज है। इस कॉलेज ये खुला है 1983 में, जब मेरा ज्वाइनिंग हुआ है, तो जिस कॉलेज में मैंने ज्वाइन किया 1982 है, तो उसी समय ये कॉलेज खुला है, लेकिन चूंकि यहाँ गर्ल्स पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और ये कॉलेज जो सिचुएशन इसकी है, ये रेलवे स्टेशन के ठीक सामने है, हॉट ऑफ द सिटी, बिल्कुल शहर के बीचों बीच, और लगभग 7.5 एकड़ में ये फैला है, 11,000 स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं, और लगभग 150 हमारा फैकल्टी है, टीचिंग फैकल्टी, हालांकि गवर्नमेंट के कोर्सेज कुछ कम है, तो हम लोग प्रयास में हैं कि थोड़ा गवर्नमेंट के कोर्सेज आ जाएं, फैकल्टी और बढ़ जाए, तो इस सिचुएशन में बहुत सारे टीचर हमारे
जन भागीदारी इसमें है, कैजुअल है, कुछ गेस्ट फैकल्टी हैं, परमानेंट स्टाफ कम है, लगभग 21 है इंक्लूडिंग आई, तो इस तरह से चल रहा है। जो विद्यार्थियों की सुविधा है वो प्रोवाइड होती है। सर मुझे एक बताइए, मुझे मैं हम लोग जो है काम करते हैं, उन्नति काम करती है, सिर्फ एम्प्लॉयबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट, नौकरी, इसके बारे में हमारा सोच रहता है। तो आपका मतलब इतने तजुर्बे में, इतने लेडीज जो पास आउट होते हैं जाते हैं, ये लोग सब नौकरी लेते हैं, कुछ करते हैं कि सिर्फ डिग्री लेके बैठ जाते हैं, क्या होता है सर? क्योंकि एक लेडी को काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बट ये होता है क्या? जी जी नहीं, यहाँ की सिचुएशन सर धीरे धीरे बदल रही है। पहले क्या है कि लड़कियां पढ़ के उनकी शादी हो जाए, बहुत सारे गार्जियन मेरे पास आते हैं कि हमने कहा बच्ची को क्यों पढ़ाते हैं, तो कहते हैं कि इसकी शादी नहीं हुई, अभी शादी हो जाएगी। तब तक कोई विवाह वाला आता है तो उनको ये कहना होता है कि मेरी लड़की अभी पढ़ रही है। एक तो ये थिंकिंग है जो बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों से बच्ची आती हैं। लेकिन अभी जो एक न्यू ग्रुप जो जिसका उभार हुआ है, खासकर एसटी एससी के जो स्टूडेंट हैं, उनमें कुछ काम करने की एक इच्छा रहती है कि हमको नौकरी मिल जाए, कहीं हम जॉब कर लें। तो वो इस पढ़ाई के साथ साथ, जैसे आपका ये इसमें इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में, क्योंकि ये समय गर्मी में यहाँ बहुत रेगुलर क्लासें नहीं लगती हैं तो कम स्टूडेंट हैं, लेकिन जैसे ही सीजन 1 जुलाई से होगा तो उसमें स्टैंड बढ़ेगी। बहुत सारे हमारे यहाँ जैसे ब्यूटी पार्लर है, कंप्यूटर टीचिंग है, टेली प्रोग्राम है, तो ऐसे भी शॉर्ट टाइम प्रोग्राम चलते हैं और उसमें स्टूडेंट एडमिशन लेती हैं। तो उनका ये होता है कि हम इस डिग्री के साथ साथ कुछ एक एक्स्ट्रा करिकुलम कर लें, एक्स्ट्रा डिग्री ले लें, ताकि हम भविष्य में कहीं जॉब ले सकें। अभी 4 दिन पहले ही एक स्टूडेंट हमको मिली थी जो स्कूल एजुकेशन में वर्ग 1 में वो उसका रिक्रूटमेंट हो गया। पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारी बच्चियां जा रही हैं, कंप्यूटर क्षेत्र में जा रही हैं। अभी एक लड़की 4 दिन पहले हमको मिली थी, उसने उसकी परीक्षा की ये कंप्यूटर की सीपीसीटी एग्जाम उसने निकाला। तो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कहीं ना कहीं रोजगार मिल जाएगा। आज हर ऑफिस में कंप्यूटर जो ऑपरेटर है उनके लिए सीपीसीटी एग्जाम बहुत जरूरी है। मैं विद्यार्थियों को ये कन्विंस करता हूँ कि आप इसके साथ साथ सीपीसीटी एग्जाम पास करो। और या इस कॉलेज में एक लो और मिडिल क्लास की बच्चियां ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं। जो बड़े घरों की हैं वो तो इस एजुकेशन के लिए बाहर चली जाती हैं, तो जो आसपास के लोअर और मिडिल क्लास के बच्चियां हैं, जो फैमिलीज हैं, उनके बच्चे यहाँ आते हैं। तो धीरे धीरे उनमें ये चीज आ रही है कि हमको कुछ एक्स्ट्रा कोर्स करिकुलम या कुछ एक्स्ट्रा जो है ना एबिलिटी लेना चाहिए, ताकि हम समाज में रोजगार पा सके। एक चीज इसलिए ऐसा है कि आजकल आप देखें कि हर जो न्यू कपल है वो बहुत परमानेंट जॉब में नहीं है। उसका पति 20,000 रुपए कमा रहा है और पत्नी अगर 15,000 कमा रही है तभी वो परिवार को खड़ा कर सकती है। तो एक इस भावना से भी अभी धीरे धीरे माहौल चेंज हो रहा है, और इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ इस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कुछ कोर्स यहाँ चले। सर आपको ये साल आगे साल में हमने 2 चीजें ऐड की हैं। एक है साइकोमेट्रिक एनालिसिस दे रहे हैं जो बच्चों को बहुत यूजफुल होगा जी। दूसरी बात है उद्योगम बोल के हमारा एक पोर्टल है जहां से उनको नौकरी मिलेगा, मतलब कंपनी उनको कांटेक्ट करेगी, मिल जाएगी जी। उनका रिज्यूमे होगा, वीडियो रिज्यूमे होगा, ये सब अगर डाल देंगे
तो ऑटोमेटिक हम जो है कंपनीज को प्रमोट करके उनको नौकरी दिलाएंगे। ये यस सर, आगे चल के होने वाला है, चालू हो जी गया है अभी उन्नति के जी तरफ से। सर आपने जी बताया कि बहुत सारे लोग करते हैं, प्रोग्राम्स आते हैं करते हैं, कंप्यूटर हो दूसरे कुछ, ये ब्यूटी पार्लर हो, आपको जी आपको कैसा लगा सर, उन्नति का प्रोग्राम कैसे लगा, उसके कारण कुछ हाव भाव बदला क्या हुआ है सर, उसके कारण कुछ भी फर्क आपको महसूस हुआ है? नहीं, ये तो कहने की बात नहीं है कि ये जो मैं लड़का चलाता बेटा ये, और इनका जब कन्वोकेशन हो रहा है, इनका जो फाइनल है, हम लोग खुद उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसा लगता है कि एवरी स्टूडेंट एट पार्टिसिपेट सीज चेंज बिहेवियर। वो सब अपने बिहेवियर में चेंज करने की कोशिश करती हैं, उनको लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं। करेक्ट तो ये तो बहुत अच्छा आपका प्लान है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मोस्ट वेलकम। लेकिन इसके साथ साथ जो आपने ये बताया कि अगर कुछ और एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के कोर्स चलें तो यहाँ की लड़कियाँ और थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर होंगी। और आज के समय में जिन चीज़ों की डिमांड है, चाहे वो मार्केट ओरिएंटेड हो, चाहे वो ऑफिस ओरिएंटेड हो, अगर हम उन बच्चों को उसके अनुकूल बना सकें ताकि वो अपनी उन डिमांड को फुलफिल कर सकें, क्योंकि अभी यहाँ हम लोग एक ट्रेडिशनल एजुकेशन दे रहे हैं। मैं खुद सिर्फ शिक्षा दे सकता हूँ, कुछ कर नहीं सकता, मैं उनको कुछ सिखा नहीं सकता हूँ, ये कह सकता हूँ कि आप सीखिए। तो अगर इस तरह के प्लान प्रोग्राम आए, मेरे पास सर इक्विपमेंट की कमी नहीं है, मेरे पास लगभग 10-12 कमरों में स्मार्ट क्लासे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि और हो जाएं, वेल मेंटेन्ड हमारे पास हॉल है, कमरे की जगह कमी नहीं है। तो इस तरह के जो भी प्रोग्राम आप लॉन्च करेंगे तो जरूर सर, मैं बहुत वेलकम जरूर। आई दिस कॉलेज। मैं एक ही बताऊंगा कि हमारे जी प्रोग्राम के साथ अगर उन्होंने कंप्यूटर सीख लिए, क्योंकि मैं नहीं ऐड कर सकता हूं, लेकिन वो अगर कंप्यूटर सीख लिए और हमारे प्रोग्राम कर लिए तो उनको नौकरी गारंटी मिल जाएगा, गारंटी। कंप्यूटर सीख लेंगे और हमारे प्रोग्राम करेंगे, नौकरी मिल जाएगा। सर मेरा एक आखिरी सवाल है, मतलब 11,000 बच्चे बोले तो करीब करीब 3,000 बच्चे तो फाइनल ईयर के होंगे, और मैंने सिर्फ एक टीचर वहां पे है अभी, मेरे ख्याल से एक ही है। मैं अगर आप अगर बोलेंगे दो तीन और लोग को अगर हायर किया जाए, मैं तो तैयार हूँ। आप अगर बोलेंगे कि और तीन तीन को भेजिए वहां पे रहेंगे, जी मैं तैयार हूँ। अगर आप किसी को जानते हैं तो उनका नंबर वगैरह दे दीजिए सर, हम उनको भी हायर कर लेंगे। आपके पहचान में वो एरिया में से कोई है तो बता दीजिएगा। जी नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि आप जो दो तीन कोर्स अगर इसका अलाउ करते हैं, उनके लोग आ जरूर जाएं, उनसे हम कंसल्ट करेंगे और फिर आपको बताएंगे। जरूर सर, बहुत ओके, बहुत धन्यवाद, आपके साथ बात किए बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बहुत सो अच्छा मच। लगा सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।